सामुद्रिक शास्त्र और बॉडी लैंग्वेज के बारे में, देखिए फेस रीडिंग के सब्जेक्ट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें बेसिकली मैं बहुत लोगों से मिला हूं, या हमारे महाराष्ट्र में कुछ लोग बैल लेकर आते हैं और आपका भविष्य बताते हैं, बहुत गिफ्टेड है वो लोग। और वो लोग देखिए, बहुत बार मैंने कोशिश भी की उनको बताने की कि आप हमको सिखाइए या हाउ यू प्रिडिक्ट, तो बताते नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग झूठे हैं, लेकिन वास्तव में फैक्ट नहीं है, वो लोग झूठे नहीं है। बेसिकली इट इज अ गॉड गिफ्टेड। बहुत लोगों को देखने के बाद बहुत कुछ चीज आपको समझ में आता है, जैसे कि हम चार्ट को देखते हैं और उसमें कोई चीज देख लेते हैं, और बाद में हम फेस रीडिंग पे, जैसे ये सब मैंने जो पॉइंट्स लिखे इस पर मैं अभी आप चर्चा करूंगा आपके साथ। और आपके जो लोग मतलब कुछ फायदा लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली बॉडी लैंग्वेज का, या आप समझे सामुद्रिक शास्त्र का, या ये सात समुद्र पार से ऐसा कनेक्शन जो समुद्र का था, सामुद्रिक शास्त्र का एक ही बात है कि आपका कनेक्शन से बहुत आप समझ पाएंगे। जो बहुत लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना, लोगों से मिलना, बातें करना, जैसे कि देखिए मैं सबसे पहला पॉइंट लिखा है, देखिए कम हाइट के बारे में, शॉर्ट हाइट। मैंने बहुत लोगों को जिंदगी में देखा है कि अगर जो हाइट कम है तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। जैसे कि मैं बॉम्बे लोकल में जब ट्रैवल करता था, मैं आज भी लोकल में ट्रैवल करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कोई एक आदमी बस जस्ट मिल गया और ही वाज ए जो फेस रीडिंग के बारे में ये लोग जानते थे, और वो मुझे सिर्फ एक हिंट दिया कि जोशी जी जिसका भी हाइट कम होता उसके जिंदगी में खिटपिट पीछा नहीं छोड़ा। और वास्तव में उसकी बात मुझे अच्छी लगी और मैं समझ में आया मेरे कि अगर जो हाइट अच्छी नहीं है, इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि लग्न में पापग्रह है तो आदमी का हाइट बॉडी ऐसा विशाल नहीं होगा। जैसे कि लग्न में गुरु और दूसरे ग्रह है तो आदमी को कहीं ना कहीं कोई पर्सनैलिटी देगा, हाइट छोटा है तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया, यानी कि जीवन में संघर्ष दुख चलता ही रहेगा, ये पहली बात। अभी देखिए मैंने मैरिज लाइफ के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बात बताया था मैंने, सामुद्रिक शास्त्र का या बॉडी लैंग्वेज का या तो फेस रीडिंग का, कि कलर ऑफ द आईज अगर ग्रीन है, यानी कि ब्राउन है कलर ऑफ द आईज, ब्लैक नहीं है, तो ये मैरिज लाइफ के लिए माइनस पॉइंट मान ले। अगर जो आपके कुंडली में लग्न में राहु है, सप्तम में सूर्य है, शनि राहु का युति है, शनि मंगल का युति है, और कलर ऑफ द आईज अगर आपका ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, तो ये मैरिज लाइफ के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। याद रखिएगा कि हम लोग जब भी चार्ट को देखते हैं फिर पर्सनली उस पर्सन को देखने की कोशिश करते हैं और हमको समझ में आ जाता है, मतलब एक ग्रह देखकर या प्रिडिक्शन जब करते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कर देते, सिर्फ एक चीज को देखकर प्रिडिक्शन नहीं होता। तो पहले आप मैरिज लाइफ का कोई क्वेश्चन जब भी पूछता है तो जनरली हम ब्राउन ऑफ कलर ऑफ द आईज अगर ब्राउन है, जैसे कि ब्राउन है, ग्रीन आईज है, दे आर दैट इज नॉट गुड। इसके अधिकतर देखिए फॉरेनर्स लोगों के जिंदगी में मैरिज लाइफ में इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि कलर ऑफ द आईज शुड बी द ब्लैक वन ओनली, वेरी फर्स्ट थिंग मैरिज लाइफ के लिए। फिर देखिए अपने जो अंगूठे की बाजू वाली उंगली है ये बड़ी होती है, अंगूठे की बाजू वाली सेकंड फिंगर अगर बड़ी दिखाई देती है, आपको दिखाई देगा, देखते ही आप समझ जाएगा कि पैर में उंगली बड़ी दिख रही है, तो बड़ी उंगली दिख गई इसका मतलब है कि उसका राज चलेगा। अगर आदमी है और उसके पैर में अगर राइट पैर की पर्टिकुलरली फिंगर बड़ी होगी तो उसका घर में राज चलेगा। ज्यादातर मैं उन लोगों को सेक्स में मास्टर देखता हूँ, सेकेंड फिंगर जिसका भी बड़ा होगा, यानी कि उनका मैं ये देखता हूँ कि फिट का अंगूठे की बाजू वाली उंगली जब बड़ी हो तो उनका राज चलता है, घर में अन्न की कमी नहीं होती। अंगूठे की बाजू वाली उंगली और अंगूठे के बीच में कभी कभी ऐसा गैप भी दिखाई देता, आप थोड़े पैर को देखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ जाएंगे। जब गैप होता है तो आदमी थोड़ा मनस्वी होता है, मेल हो या फीमेल हो, ये थोड़े मनस्वी यानी मनमानी करने वाले होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में देखिए सेकंड फिंगर ऑफ फिट है ना, पैर की जो सेकंड फिंगर है उसमें फिश एक मच्छी एक अलग तरह का वो गहना है चांदी का, वो पहनाते हैं, तो ये पर्टिकुलरली सेकंड फिंगर ऑफ फिट में ये पहनाने से पति का प्यार से उस फिंगर का कनेक्शन है, ये राज चलता है उसका, मैरिज लाइफ को दूषित करने के लिए इसका कोई हाथ नहीं है। फिर और एक देखिए सबसे छोटी वाली फिंगर, पैर की छोटी वाली फिंगर देखें आपकी, फीमेल है तो पर्टिकुलरली लेफ्ट पैर देखिएगा, मेल है तो राइट पैर देखना है, पर्टिकुलरली आपको दिखाई देता है सडनली आप बैठे हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आपका सडनली ध्यान जाएगा कि पैर की सबसे छोटी फिंगर अगर जमीन को छूती नहीं तो उसको मैरिज लाइफ का स्पाउस का सुख नहीं मिलता। देखिए ये कैरेक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होता ही है उनका। क्या होता है कभी कभी हस्बैंड बीमार रहता है, कभी कभी सेक्सुअली बराबर नहीं रहता, जैसे कि ऐसे जब ऐसी कुंडलियां हो तो शनि बुध का युति सप्तम में दिखाई देता है, सैटर्न एंड मर्क्यूरी दिखाई देता है सप्तम में, मतलब यानी कि नपुंसक पति लिखा है शास्त्र में, ऐसा पति मिलता है यानी कि उसके हेल्थ के प्रॉब्लम होता है, सप्तम में छह में है
और अगर आप ये फिंगर देख लेते हैं पैर की, तो आप समझ जाते हैं कि ये गड़बड़ है, इस कुंडली में गड़बड़ है, इस पर्सन में गड़बड़ है। तो इसको जब हम मैच मेकिंग करते हैं तब उसकी कुंडली को एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। लास्ट स्मॉल फिंगर ऑफ द फीट हमेशा जमीन को छूनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों का पैर देखा है, बहुत लोगों से मिला हूं मैं, मतलब ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप अचानक देखिए किसी को कोई सामुद्रिक शास्त्र है, बॉडी लैंग्वेज आप देखते ही आपको पता चल जाए, आपको बोलना नहीं पड़ता। जैसे कि पीछे की तीन जो उंगलियां है उसमें एक दो ऊपर नीचे भी होती है कभी कभी, वो मैरिज लाइफ में मोर देन वन पार्टनर भी लाती है। यानी कि पीछे की तीन उंगलियां पैर की शुभ होनी चाहिए, जैसे हमारे घरों में लगभग कम दिखाई देता। ये सब आपको ज्यादातर स्लम में दिखाई देगा, बहुत झोपड़पट्टी में या तो बहुत लोअर ग्रेड के लोगों में ये सब ज्यादा दिखाई देता है। टॉप अपर क्लास में बहुत रेयरली दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर देखिए मैंने एक ये लास्ट फिंगर का बताया आपको, मैरिज लाइफ के लिए पर्टिकुलरली देखिए और एक जो वेरी स्लिम फीमेल या मेल, एकदम दुबला पतला औरत, जैसे शास्त्र में लिखा है कि वो दुखी होता है मैरिज लाइफ के लिए। ये जो कोई भी दुबला आदमी हो, दुबली औरत हो, बहुत पतली औरत हो, सेक्स लाइफ में उसके कोई मजा नहीं होता, और ये मैरिज लाइफ के लिए स्लिम औरत अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। और पर्टिकुलरली वन मोर थिंग, दो दांत होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, किसी किसी को आप देखें ना बहुत बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं, दो बाहर, मतलब टीथ विद इन नहीं, टीथ आउटसाइड ऑफ माउथ, क्रूक टीथ, उसको एक्चुअली गुजराती में बोलते हैं पोखल दंता, निर्धन कोक ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत वेरी रेयरली दे सीम्स वेरी रेयरली वेरी पुअर, वेरी रेयरली ये पुअर दिखाई देता है। ये लोग जो लोग के पास दांत मुंह के बाहर होते हैं, दो दांत होते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन ये लोग मैरिज लाइफ के स्पाउस को हमेशा डोमिनेट करते हैं। मैंने बहुत आपके आजू बाजू भी देखे, आप जहां भी रहते होंगे कोई कोई मेल या फीमेल को आप देखें, आप ऑब्जर्व करिए, मेरी बात को यकीन कर लेना जरूरी नहीं है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है फिर कहीं और आप अप्लाई कर सकेंगे। मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, देखिए बड़े बड़े दांत होते हैं, वो लोग हमेशा अपने मैरिज लाइफ में शांति से नहीं जीते, ये अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को डोमिनेट करते हैं, यानी कि उसको हर बात में धमकाते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा हुआ है। जैसे कि ये चाणक्य की बचपन की एक बात है कि चाणक्य कहीं खेल रहे थे और वो कोई ज्योतिष आ गए उनके घर पे, और चाणक्य भी वहां खड़े रह गए माँ के सामने, और माँ ने चाणक्य की तरफ हाथ दिखा के पूछा कि ये बच्चे का भविष्य के बारे में कुछ बताओ। चाणक्य के दांत बड़े बड़े थे, दो बाहर के दांत, ये दांत देखकर उसका ज्योतिष ने ऐसा बोल दिया कि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि दांत बड़े होते हैं, देखिए बहुत एम्बिशियस पीपल के बड़े दांत होते हैं, दांत का बड़े होना मतलब होता है देखिए उसका सेकंड हाउस एबनॉर्मल होना, सेकंड हाउस जब एबनॉर्मल है यानी कि एक से ज्यादा ग्रह अगर जो सेकंड हाउस में है, जब ये मंगल है, राहु है, शनि है, ज्यादा प्लेनेट जमा हो जाते, दांत आगे पीछे हो जाते, टीथ आगे पीछे हो जाते, तो ये दांत को देखकर प्रेडिक्शन था कि चाणक्य बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और चाणक्य की मां रोने लगी, चाणक्य ने पूछा उसको कि क्यों ये रोने की वजह क्या, तो बोला ये तेरा दांत है इसकी वजह से। चाणक्य ने उसी वक्त, मैंने ये तो कहानी है, डोंट कंसीडर दिस एज ए सीरियस थिंग, ये तो मिथ है, चाणक्य ने उस दांत को उसी वक्त तोड़ दिया था कि मां देख ये दांत तोड़ दिया तेरे सामने। और इतिहास ऐसे लोगों को याद रखता है कि चाणक्य ने दांत अपना तोड़ के अपनी माँ के हाथ में दे दिया था कि ऐसा ऐसा अभी नहीं होगा अगर इस दांत से होना था तो, लेकिन ये होनी है। जिसको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले लोग देखिए सिर्फ दांत से प्रिडिक्शन कर जाते हैं, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि उसने आपके चेहरे पर क्या देख लिया। ये टीथ शुड बी विद इन अ माउथ तो अच्छा रहता है मैरिज लाइफ के लिए, बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, देखिए किसी किसी के मुंह के अंदर होंगे लेकिन टीथ थोड़े बड़े होते हैं, आगे के दो दांत है ना थोड़े शेप से बड़े दिखाई देते हैं। आप अगर जो अमीर आदमी को देखेंगे तो उनके टीथ थोड़े रेयर डिफरेंट दिखाई देते हैं। अभी ये मैंने मैरिज लाइफ के लिए मैंने बताया कि टीथ शुड बी विद इन अ माउथ, मुंह के अंदर रहने चाहिए। अभी देखिए मैंने और एक दिखाया कम हाइट के बारे में बताया, मैंने कलर ऑफ द आइज के बताया, सेकंड फिंगर ऑफ योर फीट का मैंने बताया कि हमारे महाराष्ट्र में चांदी का अंगूठी पहनते हैं, लड़कियों को अंगूठी पहनाते हैं चांदी की, पति की ये प्रिय हो इसके लिए। अभी मोल ऑन नोज, नाक के ऊपर किसी किसी को तिल होता है, ब्लैक डॉट्स होता है, ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है। मोल ऑफ द नोज, ये गले में ये हार है, यानी कि ये लोग को मोल ऑफ द नोज और नाक पे या गले पर जब तिल होता है किसी के, उसके वैवाहिक जीवन में विवाह होने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। ज्यादातर देखिए लग्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो, जब भी कुंडलियों में ऐसी चीज है तो आपको उसके बॉडी में भी दिखाई देगा, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। यानी कि जीवन वैवाहिक जीवन विवाह करने के बाद बदलने वाले लोगों के नाक पर तिल होता है, एकदम काला सा ऐसा मसा मिलते हैं,
ये नहीं होना चाहिए। देखिए एकदम काला ऐसा ब्लैक मसा होता है, वो आदमी का लाइफ शॉर्ट कर देता है। नाक के ऊपर एकदम एकदम जाड़ा मसा होता है, डार्क एकदम ब्लैक मॉल हो जाता है, एकदम डार्क, वो डार्क नहीं चाहिए। बाकी वो लाइफ शॉर्ट कर देता है। नाक के ऊपर तिल का होना लग्न में पापग्रह का ये इफेक्ट है। शोल्डर के ऊपर तिल होना या अपने शोल्डर के ऊपर, ये आप पर बहुत बड़ी जवाबदारी एक दिन आती है। कब जो आप जो लेवल के हो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैंने बहुत सारे अमीर औरतों को या अमीर पुरुषों विवाह के बाद जिनका भाग्य बदलता है उनके जो ये मूछ है, मुस्टाचिस पर्टिकुलरली राइट मूछ के ऊपर है ना, बहुत एक ऐसा जो ये मूछ है आपकी मूछ है उसके राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में मेल को और फीमेल को लेफ्ट साइड में ऐसा बड़ा बड़ा तिल दिखाई देता है। ये इतने पोर्शन में आपको ये पोर्शन में दिखाई देता है। उनका विवाह होते ही उनका जीवन बदल जाता है। उनका ये जिनके घर में जाते हैं ऐसी औरतें या तो ऐसे पुरुष को मैंने देखा है कि फीमेल आने के बाद, वाइफ आने के बाद जीवन उनका संपूर्ण बदल जाता है। जीवन एकदम आप देखेंगे कि वो एकदम रेयर बहुत छोटे घर में शादी कर उसकी शादी होती है, छोटा आदमी शादी होती है और बाद में बहुत रिच बन जाता है। That is because they got एक मूछ के ऊपर तल वैवाहिक जीवन के लिए, ये जो मूछ है मर्दानापन की निशानी। और लेफ्ट में अगर फीमेल को हो तो बहुत शुभ माना जाता है, उसके जगह पे अगर मेल को अगर लेफ्ट में है तो उसका कुछ लाभ नहीं होता। ये चीज भी मैंने देखा है, नेगेटिव बात हो गई। जैसे डिम्पल चीन एकदम आपका यहाँ ये चीन पर अगर यहाँ खड्डा होता है, यहाँ खड्डा होता है तो ये जो शुक्र का पावर बढ़ाता है, यानी कि उसको वीनस का पावर हो, ये बड़े हंसते बड़े सुंदर है और हंसते तब वो आपको खड्डा दिखाई देता है। ये एक ऐसा चीज है कि मैरिज लाइफ के लिए पर्टिकुलरली ये शुक्र का पावरफुल होना है। दूसरों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे लोग जिनके गाल में या यहाँ खड्डा होता है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये शुक्र केंद्र में होगा, स्वगुरुई होगा, उच्च का होगा। किसी भी तरीके से जिनका पर्टिकुलरली मालव्य योग बनता है उन पर्टिकुलरली लग्न में शुभ ग्रह से ये डिम्पल चीन होता है, चिक्स होता है। जैसे कि बचपन जाने के 20-22 साल से लगभग 25-30-35 साल तक का जो आपका जो सुंदरता है, लगभग 20 साल की उम्र में आदमी को उतना सुंदरता आ ही जाता है। गुजराती में बोलते हैं सोने सान बीस है वान, मतलब 16 में है ना आदमी को बुद्धि आ जाता है, 20 में सुंदरता आ जाता है और 60 में उसकी अकल गायब हो जाती है। सोने सान बीस है वान साठे बुद्धि नाठी बोलते हैं गुजराती में। 16 में बुद्धि आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर जीवन में कभी उसको मैच्योरिटी नहीं आती जिसको 16 में नहीं है। जो फिर 20 में आता, 20 में फिजिकल अपीयरेंस जो सुंदरता का आता और जो 45-50 के बाद भी आदमी सुंदर दिखाई देता, तो ये समझ जाइए कि वो सत्कर्म की वजह से। देखिए उनकी आंखें वाके देखेंगे तो आपको देखिए शुक्र का सबसे पहला इफेक्ट है चेहरे पर और पर्टिकुलरली आंखों पर। आप जो शुक्र का मालव्य योग होगा, आप लग्न में शुक्र देखते हैं वृषभ लग्न है और शुक्र लग्न में देखते हैं, तुला लग्न है शुक्र लग्न में देखते हैं और मुंह काला देखेंगे आप बोलेंगे ये तो सुंदर है ही नहीं, ना आंखें अच्छी ना चेहरा अच्छा है। सोच लीजिए या तो बर्थ टाइम में गड़बड़ है या तो कुछ मिस्टेक है, नहीं तो इतनी सुंदरता वाला ये डिम्पल चीन और चिक्स होना ही चाहिए, सुंदर होना चाहिए। जैसे कि अब बोल्ड अब बाल्ड में टकला आदमी होता है, गुजराती लोग बोलते हैं पोखर दंता कोकज निर्धन, मतलब बहुत रेयर आदमी है, दांत जिसके बाहर हो वो बहुत रेयरली गरीब दिखाई देता है और तालियो नर कोकज निर्धन, मतलब बहुत रेयरली जो जिनका बाल उड़ गया हो ऐसे आदमी आपको दिखाई देते हैं। बहुत बड़ा फोरहेड होता है, बाल उड़ जाते हैं, आप देखें बाल उड़ जाते हैं, किसी किसी के 40 साल में 42 साल में बाल उड़ जाते हुए दिखाई देते हैं, वो कोई रेयरली गरीब होता है। बाकी ऑलवेज देयर आई हैव सीन मेनी पीपल ऐसे बाल्ड में, पर्टिकुलरली पैसा आता है तो लोग जब पैसा आता है तो लोग बोलते हैं कि बाल उड़ गए तो लोग बोलते हैं पैसा आएगा, तो पैसे का क्या कनेक्शन इन लोग सर के साथ करते हैं। ये देखिए टकला आदमी हो गोल्ड बाल्ड में तो ये कोई बहुत रेयरली मैंने गरीब देखा और मैंने पढ़ा है ये और उसके बाद मैंने ये ऑब्जर्व भी किया। अभी एक स्लीपिंग पोस्चर के बारे में देखिए, अब जस्ट कहीं एंटर होते हैं और लोग सोए हैं, अभी अमीर आदमी कैसे सोता है देखिए, बहुत मैंने बताया कि थोड़ा सा देखिए आवाज होता है तो उठ जाता है, अमीर आदमी को देखिएगा सोते हुए बहुत, इसको राजयोग बोलते हैं। कुछ लोग देखो ऐसे सो जाते हैं जिनका चतुर्थान बहुत अच्छा होगा, शांति से सो जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चतुर्थान में शुक्र हो, गुरु से दृष्ट हो, गुरु हो, बहुत शांति की नींद सो जाते हैं। स्लीपिंग पोस्चर में कुछ लोग उल्टे सोते हैं, तो गुजराती लोग बोलते हैं हुंधो सुए अभागी हो चत्तो सुए रोगी, मतलब उल्टा जो सोता है ना ये दुर्भागी इंसान है, हमेशा उल्टा सोता है, जो उल्टा सोता है उसका नसीब उलट जाता है।
आजकल लोग बोलते हैं कि कोविड में जो आदमी उल्टा सोता है हार्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बैड लक है। उल्टो सुए अभागी हो चत्तो सुए रोगी, मतलब जो सीधा सोता है, कुछ लोग देखिए लाश पड़ी हो ऐसे सोते हैं, वो बीमार होते हैं वही चत्ता सोते हैं, मतलब एकदम फ्लैट सोते हैं। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो अधिकतर पेशेंट फ्लैट सोए होंगे। उन्दो सुए अभागी हो चत्तो सुए रोगी दावे पड़ते सब सुए, मतलब अगर आपको सोना है तो लेफ्ट हैंड है आपका वो नीचे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड दबा होना चाहिए। दावे पड़के सुए सब सुए जमड़े सुए जोगी, मतलब अगर जो आप राइट साइड में सोते हैं राइट साइड पर हाथ नीचे दब जाए, इस तरह से सोते हैं, इस तरह से साधु संत सोते हैं, जमड़े सुए जोगी बोलते हैं। तो ये आप कभी किसी का स्लीपिंग पोस्चर देख के भी ये समझ सकते हैं कि ये आदमी क्या कैटेगरी है। उल्टा कभी नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग देखिए उल्टा सोते हैं, आप कभी भी देखिए उल्टा सोने की अगर आपके बच्चों को आदत है तो उसको रिमूव कर दीजिए। उल्टो सुए अभागियों बोलते हैं, जो दुर्भाग्य वाला आदमी है उसका जीवन में सब उल्टा होता है। कभी भी ध्यान में रखिएगा उल्टा सोने नहीं दीजिएगा, सीधा सोता है ये बीमार आदमी सीधा सोता है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अभी जो देखिए वॉकिंग स्पीड, अभी किसी किसी को देखते हैं बहुत स्पीड में चलते हैं, बहुत स्पीड में चलते हैं। स्पीड में चलना ये मंगल का कृपा है, स्पीड माने मंगल, और चलना स्पीड से चलते हैं जो लोग, मैंने ज्यादातर देखा है लग्न में मंगल हो, एरिस लग्न हो, स्कॉर्पियो लग्न हो, और वही लोग बहुत स्पीड में चलते हैं, यानी कि मंगल प्रधान व्यक्तित्व है, बहुत स्पीड में चलते हैं। जो लोग डिसीजन भी बहुत स्पीड में लेते हैं, जैसे कि मंगल लग्न में होगा तो स्पीड में करते हैं। मंगल के साथ अगर शुक्र भी जुड़ गया तो व्हीकल भी बेफाम चलाते हैं। शुक्र माने व्हीकल, और मंगल के साथ अगर जो जुड़ गया हो लग्न में तो व्हीकल भी खूब फास्ट चलाते हैं। वॉकिंग इन स्पीड इज नॉट ए गुड थिंग। कोई भी अमीर घर के अच्छे घर की संस्कारी घर की औरतें कभी भी स्पीड में नहीं चल सकती। मंगल लग्न में है यानी कि पावरफुल मंगल हो गया, वो पावरफुल मांगलिक कुंडली वाले। देखिए ये अच्छे घर की औरतें कभी फास्ट नहीं चल सकती। चाइना में देखिए पर्टिकुलरली लोग पहले के जमाने में पैर को है ना बांध के रखते थे लड़कियों के, ताकि वो अपनी कुटुंब की मर्यादा में रहे। बहुत स्पीड में चलना, बहुत बड़े पैर का होना, बहुत छोटे पैर होते, बहुत देखिए अब पैर छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्पीड में चलना अच्छी औरतों का लक्षण नहीं होता। अच्छे घर की औरतें गजगामी होती, इसको गजगामी बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे चलती है। आप कभी रीच औरतों को देखिएगा, बहुत शांति से चलते हैं, इसको बोलते हैं गजगामी, हाथी की तरह चलते हैं। और वॉकिंग स्पीड में होना अच्छी बात नहीं है। खाना स्पीड में नहीं खाना चाहिए, चलना बहुत स्पीड में नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं। एक गजमस्तक, गजमस्तक मतलब देखिए ऐसा फोरहेड है ना आगे से ऐसा बड़ा होता है। आप थोड़ा अनुभव देखेंगे ना, किसी किसी का ऐसा देखिए पर्टिकुलरली ये शेप है ना ट्रायंगल शेप होता है, किसी किसी का ऐसा फोरहेड देखेंगे ना तो ऐसा ट्रायंगल दिखाई देता है, यानी कि यहाँ इस तरह से शेप होता है, यहाँ सब हेयर्स इस तरह से हेयर्स होते हैं और ये इस तरह से शेप होता है, ये ट्रायंगल टाइप का शेप होता है। ट्रायंगल हेड आपको वो मंगल का पावरफुलनेस दिखाई देता है। गज मस्तक के केस में ना ऐसा शेप, ऐसा फोरहेड का आपका हाथी की तरह आगे आया हुआ होता है। इनका मैंने ज्यादातर फॉरेन से ताल्लुकात देखा है, फॉरेन से फिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों से काम करते हुए लोगों का गज मस्तक देखा, इनका बहुत सम्मान प्राप्त होता है। गज मस्तक है मतलब देखिए कुंडली में गुरु अच्छा होगा तभी गज मस्तक मिलता है। ये गज मस्तक से देखिए बहुत बड़ा फोरहेड होता है, बड़ा विशाल फोरहेड दिखाई देता है आपको। अगर बड़ा फोरहेड दिखाई देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लग्न में गुरु होगा तभी बड़ा फोरहेड होता है। जैसे कि मैंने ये बोला कि बाल उड़ जाते हैं ये डिफरेंट बात है, और फोरहेड का बड़ा होना डिफरेंट बात है। फोरहेड बड़ा होता है उनका, और ये गजमस्तक का, गजमस्तक होना और फोरहेड बड़ा होना ये डिफरेंट है। देखिए अब धीरूभाई अंबानी का फोटो देखिएगा, बड़ा फोरहेड दिखाई, वो एक अमीर आदमी के लक्षण है। गजमस्तक बोलते हैं इसको, बड़ा फोरहेड, वो एक गुरु का धनु लग्न था उनका धीरूभाई अंबानी का, और लग्नेश दशम में था। सत्कर्म करने से धीरे धीरे आपके फोरहेड को फायदा होता है। किताबों से देखिए बड़ा सर मैंने जिन लोगों का देखा है, फोरहेड बड़ा देखा है मैंने रियल में, जो लोग बहुत प्रेयर्स करते हैं, पूजा करते हैं, आध्यात्म से जुड़े होते हैं, इनका भी फोरहेड मैंने बड़ा देखा है, और बहुत फाइनेंशियली बहुत रिच होते हैं, इनका फोरहेड भी मैंने बड़ा देखा है। और गजमस्तक हो तो इनको इंटरनेशनल कारोबार से, फॉरेन के कारोबार से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अभी आंखों के बारे में देखिए, ये मैरिज लाइफ का एक मुद्दा है, यहाँ एक 11 नंबर भी लिखना चाहिए था। पर्टिकुलरली किसी भी मेल्स की दो आंख, अभी दो आंख में से पर्टिकुलरली मेल्स की राइट आई छोटी हो, आपको दिखाई देगा कि राइट आई छोटी है या बंदी है काणा हुआ भी, तो ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना। पुरुष की लेफ्ट आई और फीमेल की राइट आई को है ना बेडरूम से संबंध है, मतलब ये सेक्स लाइफ से संबंध है, पर्टिकुलरली सेक्स लाइफ। पुरुष की लेफ्ट आई को बेडरूम से संबंध है,
और वुमन की राइट आई को बेडरूम से संबंध है, सेक्स लाइफ से, इनकी सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मैरिज लाइफ टिकने की कहां बात ही रही। तो मैरिज लाइफ का ये माइनस पॉइंट है। सेकंड हाउस में पापग्रह होने से मेल्स की लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होता है, यानी कि सेकंड एंड ट्वेल्थ आईज, ट्वेल्थ हाउस है दूसरा और सेकंड एंड ट्वेल्थ हाउस है, इसको आंखों से संबंध है हमारे, और पैसा और बेडरूम इसको इस तरह से कनेक्ट किया है। ज्यादातर ये अनुभव में ये बात खरी उतरती। आप जब देखते हैं किसी के ट्वेल्थ हाउस में बारहवें घर में राहु है, मेल है पर्टिकुलर, तो उसकी लेफ्ट आई में गड़बड़ होना चाहिए, ये एक अनुमान आ ही जाता है। आप देखें उसको कभी भी आपके अनुभव में, बहुत रेयर में ऐसा होता है, बाकी उसके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होगा ही, आज नहीं तो कल। लेफ्ट आई में बहुत पापग्रह है और मेल्स है तो उसका आज नहीं तो कल आंखों का प्रॉब्लम होता है, और आंखों को सेक्स लाइफ से संबंध, आंखों का मैंने ये कलर से मैंने बताया, और आंखों की ये साइज से भी आप बोल सकते हैं, अगर एक आंख खराब है बंद है तो भी ये नेगेटिव बात। एक देखिए ये पूर्ण पुरुष की योग मैं बताता हूँ। पूर्ण पुरुष का मतलब होता है देखिए बहुत ऐसा ऊंचा तगड़ा आदमी होता है, हैवी पर्सनैलिटी, लग्न में गुरु हो शुभ ग्रह हो तो आदमी का ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल्ट, ऐसा बड़ा पर्सनैलिटी, ऐसा 6 फुट ऊंचा, 5.5-6 फुट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये पूर्ण पुरुष बोलते हैं। लग्न में शुभ ग्रह हो, आप अगर जो कभी किसी की कुंडली में देखते हैं कि पंच महापुरुष योग बना है, ऐसा मंगल का रोग योग बना है, जैसे रुचक योग बना है, आप देखेंगे मंगल का योग रुचक योग बनेगा, वो आदमी की आंखें कैसी होगी, एकदम पावरफुल आइस होगी, आप उसको स्टेयर नहीं कर सकते, आप उस आंखों को स्टेयर नहीं कर सकते अगर रुचक योग उसके लग्न से बनाए तो। अभी पूर्ण पुरुष योग में ये सब चीजें दिखाई देती है, बड़ा शरीर दिखाई देगा, जैसे आप उसकी आंखों को स्टेयर नहीं कर सकते, मंगल से बना हुआ रुचक योग होगा तो, जैसे शनि का शश योग बना होगा तो आदमी के चेहरे पे देखो ऐसा दाढ़ी वाड़ी होगा, क्योंकि शनि का वो योग होगा, जैसे कुंभ लग्न है मकर लग्न है, लग्न में शनि होगा तो आदमी के चेहरे पे उम्र से ज्यादा उम्र दिखाई देती होगी, मैच्योरिटी दिखाई देगा। लग्न से आप बहुत कुछ चीज जज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ये पूर्ण पुरुष वहां काम आता है आदमी का। अगर आपको आपकी उसकी कुंडली में बहुत सारे शुभ ग्रह दिखाई देंगे, 4-5 ग्रह स्वगुरु दिखाई देगा, 1-2 ग्रह उच्च दिखाई देगा, और आप समझ जाएंगे यार ये कहीं एबनॉर्मल है, उसके बॉडी पर आपको ये सब चीज दिखाई देगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें आपको उसमें दिखाई देगी, मतलब ये ऑर्डिनरी आदमी जैसा आदमी नहीं होगा, उसकी आंखों में चमक दिखाई देगा। अगर समझो मालवीय योग बना है, लग्न में शुक्र है वृषभ और तुला का, उसकी आंखें बहुत हस्ती आंखें होनी चाहिए, और आप देखेंगे सामने के तो डर्टी आदमी है, कपड़े भी डर्टी है, आप शुक्र वाली आंखों को बहुत दूर से पहचान सकते हैं, वृषभ तुला या मीन लग्न है और लग्न में शुक्र होगा उस आदमी को आप बहुत दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसकी सुंदरता के कारण। अभी गुरु का हंस योग बना है, जैसे पूर्ण पुरुष का मैं बोलता हूँ गुरु का हंस योग बना है, कर्क लग्न है लग्न में गुरु है तो ऐसा विशाल देव बड़ा फॉरेड होगा, आपको समझ जाएगा कि ये गुरु इसका अच्छा होना ही चाहिए, और आप कुंडली देखेंगे यस धनु लग्न है लग्न में गुरु दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पे, मीन लग्न है लग्न में गुरु दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। अभी धनु और मीन लग्न में क्या फर्क है, देखिए धनु वाला एकदम आध्यात्मिक होगा, टीका विका लगाया होगा, मीन लग्न वाला ऐसा नहीं होगा, थोड़ा मौजी होगा, उसके अलग तरह का चॉइस होगा, उसमें शुक्र का मस्ती भी होगा गुरु का ज्ञान भी होगा, तो मीन का कहीं अलग दिखाई देगा, क्योंकि उसमें शुक्र का मालवीय योग का शुक्र का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आना ही आना, क्योंकि शुक्र भी उच्च का हुआ है तो वो दोनों योग उसको बेनिफिट देगा। जैसे कि भद्र योग बना है व्यापारी, उसकी चतुर आंखें दिखाई देगी आपको, जैसे आपको ये सब अनुभव से ही समझ में आए, आप मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप एप्लीकेबल करने की कोशिश करो। जैसे कि मार्क ऑफ इंजरी ऑन ए फॉरहेड, जैसे आपके सर पे लगने का निशान हो, किसी के भी अगर सर पे लगने का निशान हो, जलने का निशान हो, आप किसी के सर पे ऐसा दिखाई देता है कुछ जल गया हुआ ऐसा दिखाई देता है, लगा हुआ निशान दिखाई, देखिए ये मंगल से मिलता है, ये फोरहेड पे ऐसा निशान लग्न में मंगल होगा तो लगभग 12 साल की उम्र में आदमी गिर जाता है नीचे और फोरहेड पे निशान आता है। जितना पावरफुल मंगल होगा उतना वो निशान ज्यादा क्लियर होता है फोरहेड पे, मार्क ऑफ इंजरी ऑन फोरहेड। लग्न में कोई भी पापग्रह है तो आपके चेहरे पे वो दिखाई देगा, जैसे लग्न में शनि होगा तो वो आदमी दरिद्र दिखाई देगा, ऐसा एकदम वो सॉफ्ट दिखाई देगा, लग्न में सूर्य तो आदमी रुबाबदार दिखाई देता है। ये आपका जो फोरहेड है ये लग्न है आपका, ये मान के चले लग्न फोरहेड है आपका, लग्न पे शुभ ग्रह होने चाहिए। देखिए हमारे जो पुराण के जो पुराने लोग हैं हमेशा ये तिलक लगाते थे, चंदन लगाते थे, क्यों? क्योंकि आप कोई भी आपके लग्न में पापग्रह, जैसे कि सूर्य है आपके लग्न में, मंगल है आपके लग्न में, ये जो गर्म ग्रह है आपके लग्न में, अगर आप चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन का सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं आपके फोरहेड पे, उससे वो शीतलता मिलती। लग्न में शुभ ग्रह होना ही चाहिए, लग्न में पापग्रह है तो आपको फोरहेड पे इंजरी का निशान भी दिखाई देता है, और पर्टिकुलरली मंगल होगा तो फोरहेड पे निशान ही दिखाई देता है।
आप अभी कहीं से जाते होंगे और कोई अगर आपको बोलेगा ऐसा, सिर्फ चेहरा देख के बोलेगा कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है और संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बड़ा सरप्राइज लगेगा उसने ऐसा बोल ही कैसा दिया। सिर्फ आपके चेहरे पर, फोरहेड पर वो निशान देखकर वो लोग ऐसा प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा सिर्फ इस मंगल की वजह से। वन मोर थिंग, मैंने स्लिम फीमेल्स के बारे में बताया कि मेल और फीमेल हो, स्लिम एकदम दुबली पतली हो मैरिज लाइफ के लिए वो भी अच्छा नहीं है, मैंने वो पॉइंट आपको बताया। लग्न का पाप ग्रह कभी भी आदमी को शांति से जीने नहीं देता, आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। लेकिन फिर फेस रीडिंग सफिशिएंट नहीं है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, सफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी, जैसे आप एक ग्रह देखते हैं आप उससे प्रेडिक्शन करते हैं तो गलत हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं से उसका दूसरा सुराग मिलना ही चाहिए। अभी देखिए जो फिंगर्स है पर्टिकुलरली अपने हाथ के, आप अगर किसी किसी को सिर्फ हाथ मिलाते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि ये उसके फिंगर है पीछे की तरफ ज्यादा मुड़ रहे, ऐसे आदमी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बैंड होते हैं पीछे तो ये तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जैसे थंब है, थंब किसी किसी का ऐसा देखो तो पीछे तक बैंड होता है, बैंड होता हुआ थंब आदमी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन एकदम अक्कड़ हो ऐसा पीछे मुड़ते ही नहीं तो ये आदमी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लग्न में पापग्रह के लक्षण है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो ये हाथ मिलाते ही, हाथ का जैसे आपको आप हाथ मिलाते हैं हेयर ऑन बैक साइड, ये बैक साइड में अगर जो यहाँ आपको दिखाई देता है बाल दिखाई देता है, मैंने बहुत सारे रिच लोगों के हाथ देखे हैं सिर्फ बैक साइड में ही, ऐसे अगर ट्रेन में खड़े हो, बस में खड़े हो, कहीं आप सिर्फ ऐसा ही खड़ा हो और आप हाथ देख लेते हैं, हाथ के बैक साइड में बाल होना, शरीर के ऊपर ज्यादा बाल का होना, ऐसा बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, किसी किसी को देखो बहुत कम हेयर होते हैं, हेयर कम ही होना चाहिए। देखिए इजिप्ट में पिरामिडों के जो राजा थे, खुफरू बोलते थे शायद इनको, ये लोग हमेशा अपने शरीर पे से बाल भी निकाल देते, बाल मतलब शनि, दरिद्रता की बात है उनके शरीर पे हमेशा, मंगल का ये नेगेटिविटी है कि शरीर पे ज्यादा बाल हो तो आदमी बहुत एनर्जेटिक होता है और ये अच्छी बात नहीं है। पाम के बैक साइड में या शरीर पे ज्यादा हेयर का होना अच्छी बात नहीं है। उनका हाथ भी ऐसा प्रोटीन वाला होता है, ऐसा फ्लैशी होता है, यानी मांस बहुत होता है, मांस बहुत होता है, ऐसा ऐसी नसें नहीं दिखाई देती। अगर अमीर आदमी के आप पाम को देखेंगे, सिर्फ आप पाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इज ए रिच पर्सन। पर्टिकुलरली देखिए वो मैंने सॉफ्ट पाम देखा है, जैसे आप सिर्फ हाथ मिलाते हैं उनसे, आप किस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने हाथ मिलाया और आप सॉफ्टनेस फील कर लेते हैं। उनका ऐसा खानदानी आदमी जो अमीर होता है उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट हैंड, आप कड़क हाथ नहीं होता, जैसे कि बहुत जो मजदूरी करता है, जो बहुत मेहनत करते हैं उनके हाथ बहुत हार्ड हैंड होते हैं। आप हाथ मिलाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, स्मूथ नहीं होते वो, हार्ड हैंड होते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपसे सिर्फ हाथ मिलाया आपने बहुत कुछ चीज जान लिया उसके बारे में। ये अजान बाबू एक मैंने पढ़ा है, रेयरली आई हैव नेवर सीन दिस अजान बाबू, जो लोगों का हाथ ऐसा बोलते हैं कि नी से नीचे हो, ये अजान बाबू एक शब्द है, ये बहुत लकी आदमी माने जाते हैं, बहुत रेयरली मैंने लोगों से सुना है सिर्फ इसके बारे में कि ये अजान बाहू जो होते हैं ये बहुत हाथ लंबा है, इन शॉर्ट। तो अच्छी बात होती है कि इनका हाथ बड़ा हो, ज्यादा काम कर सकते हैं, ये बात। अभी देखिए क्रूक बैक मैन लिखा है, मेल हो या फीमेल हो ऐसा झुका हुआ होता है, कोई कोई लोगों को देखिएगा, ये मैरिज लाइफ के लिए सबसे नेगेटिव बात है, मैरिज लाइफ का सत्यानाश करने वाली ये चीज है क्रूक बैक मैन, यानी कि इसका सेक्सुअल कोई ना कोई एक्सप्लोइटेशन करने वाला बहुत नियर बाय आदमी होता है, मेल हो या फीमेल हो। आई ऑब्जर्व दैट that they are sexually absorbed by someone, exalted, मतलब इन लोगों का sexual कोई शोषण करता है वो लोगों को। मैंने बहुत लोगों को ऐसा क्रूक यानी कि इसको खुंदिया बोलते हैं गुजराती में, आई हैव रिटन दिस वर्ड इन गुजराती। ये एक नेगेटिव है मैरिज लाइफ के लिए, ऐसी औरत हो ऐसे आदमी हो इसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, शास्त्रों मात्र तमाम दूर, शरीर से पतली हो ऐसी औरत से भी नहीं, इनको बच्चे नहीं होते, बच्चों के मामले में प्रॉब्लम होते हैं। एक है नेल बीटिंग, नखून खाने वाले, अपना सेकंड हाउस है उसमें नखून देखा जाता है, नेल बीटिंग करने वाले लोगों के सेकंड हाउस में मैंने पाप वगैरह देखे हैं, नखून खाते हैं, इसको बोलते हैं नखोर बोलते हैं, मतलब देखिए उसके जीवन में स्ट्रेसफुल जीवन होता है इनका। लग्न में पापग्रह से भी होता है, लग्न 6 और 12 में हो, पर्टिकुलरली 8th हाउस में हो, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं और नखून खाते हैं। नखून खाना सौभाग्य के लिए नुकसानकारक होता है, अगर आप नखून खाते हैं और आपके कोई बड़े, देखिए घर के बड़े बुजुर्ग होगा तो आपके मुंह से हाथ निकालते हैं, ये आपके परिवार के लिए बहुत नेगेटिव बात है। अगर नखून खाने की अगर आपको आदत है, किसी को आदत है, ये छोड़ देना चाहिए, ये दरिद्रता को निमंत्रण देने का, इन्विटेशन देने का ये लक्षण है, नखून को खाना अच्छी बात नहीं होती, ये माइनस पॉइंट है नखून का खाना। और वो लोग हमेशा मानसिक तनाव में जीते हैं, मैंने बहुत नजीक से ऐसे लोगों को नखून खाते हैं ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है,
कि बचपन से उनके घर में ना किसी का आइदर इनके मम्मी या डैडी का बहुत बहुत दबाव होता है, यानी कि बहुत डोमिनेशन होता है, और ये डोमिनेशन मतलब उन लोगों को बचपन से एक थ्रेटन अंडर ए बिग थ्रेटन दबा के रखा होता है। ये लोग नखून खाते हैं, बचपन से अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी अपना अस्तित्व खतरे में होता है, इसको बहुत प्रेशर में जीने वाले लोग, और ये जिंदगी भर जान न जाने वाली आदतें नखून का खाना नेगेटिव चीज है। सेकेंड हाउस में पापा ग्रह या तो लगने 6, 8, 12 में तभी ऐसा करते हैं। शेप ऑफ द ईयर्स, कान बड़े होना, कभी कभी देखिए बूढ़े लोगों को आप देखिएगा ना कान बड़े होते हैं, ये बड़े आयुष्य का लक्षण है नंबर 1। क्योंकि तृतीय स्थान जो है वो 8th हाउस से 8th हाउस में हमारा आयुष्य देखा जाता है। अष्टम से अष्टम थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में कान देखा जाता है, यानी कि मौत को मारने वाली जो जगह है वो हमारे ईयर्स है, कान है। तो कान बड़े होना ये लंबे आयुष्य का लक्षण है, बड़े कान होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। मैंने और एक चीज देखा है, सॉफ्ट पाम होता है, मैंने बताया आपको कि सॉफ्ट पाम होता है, हाथ मिलाते हो तो तुरंत समझ में आ जाता है। सॉफ्ट हेयर, वन मोर थिंग, आप उनके बाल देखेंगे ना अमीर आदमी लोगों के, तो ऐसा हवा हवा थोड़ा सा भी आएगा ना तो ऐसा बाल उड़ते हैं। अगर बाल अगर जो आपके फोरहेड पर आके खड़े हो जाते हैं और बार बार ऐसा ऐसा ऊपर करते हैं बाल, कुछ लोगों को देखो आप बार बार बाल ऊपर करते हैं, वो अपने बुद्धिमत्ता का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बुद्धिमत्ता के ऊपर आते हुए बाल अच्छी बात नहीं है, लेकिन रीच लोगों के बाल है ना ऑलवेज सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपके जीवन में जितना संघर्ष होगा उतने बाल आपके कड़क होते हैं, यानी कि हवा से भी नहीं हिलते ऐसे बाल भी होते हैं। जितनी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा होगा उतना बाल ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट जो सॉफ्ट हेयर है आपके, तो ये समझ जाइएगा कि आपके जीवन में संघर्ष कम है। मैंने जो लोगों को रीच देखा है उनके सॉफ्ट हेयर भी देखे हैं, सॉफ्ट बाल भी देखे हैं। पर्टिकुलरली मैंने इस चीज को जो आपको अभी बताया, इसमें देखिए इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मैंने गुजराती में लिखे हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो मैं आज बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ, और इट इज अप टू 10th के बाद जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का बेस है तो इंग्लिश में ही था, बट सो मेनी वर्ड्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ द हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। और ये सब देखिए जैसे ये अजान बाऊ शब्द है, या ये पोखल दंता शब्द है, दिस इज इन गुजराती वर्ड, कि दांत बाहर हो, बड़े बड़े दांत हो, अमीर कुंडलियों में मैंने ये सब देखा है। तो ये सब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे फेस रीडर है, आपको कहीं आप ट्रेन में जाते हैं और कहीं मिल जाते हैं, बस में जाते हैं कहीं मिल जाते हैं, वो सिर्फ आपके सिर्फ बाल से बोल देते हैं कि यू आर रीच, कहीं आपको टच कर लिया हो और उसको समझ में आता है कि बॉडी बहुत सॉफ्ट है। बहुत कुछ चीज तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है, आपका चलना बहुत स्पीड में चलते हैं, वो आदमी का मंगल पावरफुल होगा बहुत स्पीड में चलता है, स्पीड में अच्छे घर की औरतें नहीं चल सकती। आप कभी भी कोशिश करिएगा, आपके वाइफ के साथ आप जाते होंगे, मेल होंगे तो पर्टिकुलर, तो आप हमेशा बार बार आपको आपकी बीवी रिमाइंड करती होगी कि जरा स्लो चलिए ना, जरा स्लो चलिए। अच्छे घर के मतलब जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि स्पोर्ट्स में तो औरतें भागती है। आप इधर कमेंट्स लिखने वालों की कुछ कमियां नहीं होती, हमारे वीडियो हो जाते हैं उसके बाद कमेंट्स लोग बहुत लिखते हैं, इसके लिए मैंने बताया कि देखिए ये खुद ही होना जैसे गुजराती में एकदम ऐसा झुका हुआ कैरेक्टर होता है, वो मैरिज लाइफ में एक्सप्लॉइटेड होता है, सेक्स लाइफ में उनकी सेक्स लाइफ बहुत दूषित सेक्स लाइफ होती है, नखून खाना नॉट ए गुड काम, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको आप आपके जन्म कुंडली में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जैसे कि रुचक योग होगा मंगल का लग्न से तो आदमी का आंख बहुत पावरफुल होगा, आप उसके सामने नहीं देख सकते, अगर सिंह लग्न है लग्न में सूर्य है तो आप उसको स्टेयर नहीं कर सकते, और अगर मंगल वाला रुचक योग वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है आप उसको स्टेयर कर रहे हैं, सिंह लग्न वाला व्यक्ति खड़ा है और आप उसको स्टेयर कर रहे हैं यानी कि आप उसको घूर रहे हैं, तो आपको पूछेगा क्या चाहिए आप, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे रुचक योग वाला अगर लग्न में मंगल है और अगर आप देखते हैं कि आप उस आदमी की कुंडली में रुचक योग देख रहे हैं और सामने उसके चेहरे पे तो वो लड़की जैसा देख रहे हैं, कन्या लग्न वाली बात देख रहे हैं, एकदम सॉफ्ट हार्टेड जो सॉफ्ट माइंड दिखाई दे रहा है, मूंछ भी नहीं है और एकदम एकदम देखिए कन्या लग्न हमेशा आदमी को उम्र से कम दिखाई देते हैं, मूंछ नहीं रखते, कन्या लग्न देखिए बॉडी से बहुत कुछ, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कन्या लग्न है तो मूंछ नहीं रखते, उम्र छोटी दिखाई देती है, बहुत शर्माते हैं, अनजान लोगों से पहले बोलना ही शुरू नहीं करते, उसका रेकग्निशन ही है, जैसे जेमिनी होगा तो बहुत टॉकेटिव होगा। आप हर चीज को जैसे उसकी कुंडली खोलने के पहले फेस रीडिंग करना जरूरी है, बहुत सारी चीज तो उसका चेहरा भी बताता, और जब आपको ऐसे लोगों को मिलते हैं, देखिए मैं बहुत लोगों से मिला हूं मेरी लाइफ में, मैं बहुत लोगों से मिला हूं, ये गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट है, ये अगर आप कोई बोलता है कि आई एम टीचिंग यू इन एस्ट्रोलॉजी इन ए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, ऐसा 1 2 ईयर 3 ईयर में एस्ट्रोलॉजी नहीं आता,
एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको बहुत सारा लोगों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ये दो दाग बाहर होते हैं, मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ये तो मैंने बोल के छोड़ दिया, लेकिन आपको ये आपको ऑब्जर्व करना है। मेरी बात को मानते रहोगे तो फिर मैरिज लाइफ आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। आपके आजू बाजू देखें कि कहीं ना कहीं कोई आपके सोसाइटी में आप जहाँ रहते हैं वहाँ आजू बाजू देखें कि कोई अपनी वाइफ से रेगुलर फाइटिंग करता है, उसमें देखिए कि हस्बैंड वाइफ किसका दाग बाहर है, वो जरूर खिटखिट करता हो, तो ये आपको पता चलेगा। टीथ शुड बी विद इन अ माउथ, टीथ शुड बी विद इन अ माउथ, बड़ा फोरहेड होना चाहिए, बहुत भाग्य का लक्षण है। और मैंने बताया था आप अधिकतर आंखों का देखिए खराब हो जाना, लेफ्ट आई खराब हो जाना, मैरिज लाइफ के लिए मेल की लेफ्ट आई खराब हो जाए तो ये सेक्स लाइफ से पर्टिकुलरली संबंध है लेफ्ट आई का। फीमेल की राइट आई है वो खराब हो जाए तो संबंध है उसका सेक्स लाइफ से, पर्टिकुलरली बेडरूम से संबंध है ये लेफ्ट आई और राइट आई का, पर्टिकुलरली मेन की लेफ्ट। और दांत का संबंध है सेकेंड हाउस से। कभी भी मैंने बहुत अमीर लोगों के देखे हैं सेकेंड हाउस में बहुत सारे ग्रह होते हैं, उनके टीथ में गड़बड़ होता है, बहुत सारे ग्रह पाप ग्रह है तो वो दिखाई देगा ही आपको। तो ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करें और आपके जीवन में देखिए, जो मैं बताया ज्योतिष का ऐसा एडवांटेज लेना है इट्स नॉट सो इजी। आपको मैं एक कुंडली में लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें करते हैं कि एक ग्रह देख के नहीं होता। आप अगर किसी का देखते हैं कि कर्मस्थान लग्नेश अगर दशम में गया है, कर्मेश लग्न में गया है, भाग्येश दशम में, टेंथ हाउस पावरफुल है, और अगर लग्न में कर्क का गुरु गुरु दिखाई दिया, टेंथ हाउस में गुरु दिखाई दिया, तो सत में सत्कर्मी आदमी होगा ही, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन तीन चार चीज उसका चेहरा है, उसके बॉडी लैंग्वेज है, उसमें बहुत कुछ चीज दिखाई दे। प्लीज अभी ये मैं यहाँ स्टॉप होता हूँ, और मेरा ये वीडियो प्लीज कैसा लगा मार कीजिएगा। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।